इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं वैकेंसी। हाउस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, वैकेंसी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, बट आई एम श्योर इसके बाद आपको ट्रिकी नहीं रहेगा। देखिए हाउस प्रॉपर्टी में लेट ऑफ प्रॉपर्टी का सबसे पहले जीएवी निकालते हैं, जीएवी के बाद हम निकालते हैं एनओडब्ल्यू। सो जीएवी निकालने के तीन स्टेप्स हैं, देखिए रिवाइज कर लेते हैं। म्यूनिसिपल रेंट एंड देन फेयर रेंट को कंपेयर करते हैं, जो भी इसमें हायर होता है उसको आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद जो फिगर आती है ना, जो लोअर फिगर आती है, इसको क्या नाम देते हैं पता है? इसको हम नेम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। इसको हम नेम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। इसको हम नेम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। यहां तक क्लियर है? अब क्या होता है, हमारे पास तीन सिचुएशन मिलती है, बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी प्रॉपर्टी, सपोज दिस इज द 12 मंथ्स टाइम लाइन, इस 12 मंथ्स में से 8 मंथ्स और 4 मंथ्स, देखिए 8 मंथ्स के लिए वो एलओपी है। हमने ना हमने क्या करा था, फुल ईयर के लिए अपने पे लेट आउट किया था प्रॉपर्टी को, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है 8 मंथ्स लेट से वो लेट आउट रहता है, उसका हमें रेंट भी मिलता है, बट 4 मंथ्स में हमारे पास सामने दो सिचुएशन आ सकती है। 4 मंथ्स में दो सिचुएशन आ सकते हैं, आई वुड से तीन आ सकती हैं। देखिए पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, पहली सिचुएशन हो सकती है आपने 4 मंथ्स में पहले वाला जो टीनेंट था ना, 8 महीने रहा, 4 मंथ्स के बाद बदल गया और टीनेंट आ गया, न्यू टीनेंट। इसका मतलब आपका प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहा, प्रॉपर्टी पे दूसरा किराएदार आ गया, और दूसरा सिचुएशन बनती है कि प्रॉपर्टी पे कोई नहीं आया, प्रॉपर्टी पे कोई नहीं आया तो आपने क्या किया, सेल्फ यूज कर लिया उसको, सेल्फ यूज, जिसे हम नाम देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। और थर्ड केस बनता है जब प्रॉपर्टी पे ना तो आपने नया रेंट, नया टेनेंट आया, और ना ही आपने सेल्फ यूज किया, इसमें आता है वैकेंट। प्रॉपर्टी क्या रही, वैकेंट रही उस दौरान। दैट इज तीन जो कॉन्सेप्ट है ना, तीन कॉन्सेप्ट का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, क्योंकि नया टेनेंट आ चुका है, बाद के 4 महीने भी हमें रेंट पे है, इट मीन्स ये 100% लेट आउट प्रॉपर्टी है, उस पर नॉर्मल ट्रीटमेंट जो करते हैं वो करते हैं। सेकेंड, सेल्फ जब हम पार्शली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्शली हम लेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो उस केस में क्या करते हैं हम, म्यूनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड इंटरेस्ट एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस सभी हम क्या लेते हैं, फुल ईयर का लेते हैं। बट क्या होता है, एक्चुअल रेंट हम सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ्स का लेते हैं, ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं आता। तीसरा आता है वैकेंट। देखिए 8 महीने का रेंट आया हमारे पास, बाकी 4 महीने कोई उसमें कोई भी टीनेंट था ही नहीं, इट वॉज वैकेंट, ठीक है, हमने सेल्फ ऑक्यूपाई भी नहीं किया था, तो क्या चेंज आएगा, क्या सेकेंड कॉन्सेप्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट में फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है, रीजन क्योंकि सेकंड थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या है ना, वैकेंट है, आपने कोई क्राइटेरिया उसमें नहीं आया है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी ना वैल्यू गिर जाती है, आपका एक्चुअल रेंट आपको कम तो मिलना ही। देखिए इसमें भी आपको इतना ही मिलना है रेंट 8 मंथ्स का, और थर्ड कॉन्सेप्ट में वैकेंसी में भी आपको 8 मंथ्स का ही रेंट मिलना है, बट दोनों में फर्क कहाँ आता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में कभी भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है लोअर रेंट का, ठीक है, वहां पे जो वैल्यू ना, जो ये हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट के साथ, जो एक्चुअल रेंट होता है, दिस इज द एक्चुअल रेंट, इसको जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो इसमें जो भी हायर होता है, जो भी हायर होता है वो क्या होता है, हमारी जीएबी होती है, राइट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, सेकंड कॉन्सेप्ट में कभी भी हमें एक्चुअल रेंट यदि मेरा कम है ना, ठीक है, तो मेरे को जो टैक्स देना पड़ता है ना, मेरी जो जीएबी बनती है वो हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट बनती है। बट वैकेंसी में क्या होता है, यहाँ पे एक थोड़ी सी लिबर्टी है, वैकेंसी में क्या होता है, यदि एक्चुअल रेंट मेरा शॉर्ट है ड्यू टू वैकेंसी, तो इस केस में जीएबी क्या बनती है, जीएबी जो होती है वो हो जाती है लोअर ऑफ द फॉलोइंग, अभी तो क्या हायर ऑफ द फॉलोइंग है, बट इसको हम क्या कहते हैं, लोअर बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं जीएबी क्या हो जाती है, एक्सपेक्टेड रेंट हो जा सॉरी एक्चुअल रेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्चुअल रेंट जो मुझे मिला है, राइट। देखिए अभी हमने बैकग्राउंड समझ लिया, तीन सिचुएशन बन सकती हैं, ठीक है, तो अभी आप देखेंगे वैकेंसी में, वैकेंसी रिवाइज कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट दिया होगा या म्यूनिसिपल वगैरह दिया होगा, देन आप एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू करने वाले हैं, ठीक है, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन और तीसरी सिचुएशन, ठीक है, तीनों में क्या है, अब एक्सपेक्टेड रेंट के साथ हम क्या कंपेयर करते हैं, हम करते हैं एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, ठीक है। अब एक्चुअल रेंट यदि मेरा वैकेंसी की वजह से, एक्चुअल रेंट मेरा वैकेंसी की वजह से कम है, एक्चुअल रेंट मेरा वैकेंसी की वजह से कम है, तभी मेरी जीएबी जो होगी वो एक्चुअल रेंट लिया जाएगा, ठीक है, क्या लिया जाएगा, एक्चुअल रेंट।
रेंट लिया जाएगा। यदि मेरी एक्चुअल रेंट की वैल्यू ड्यू टू वैकेंसी कम है, तभी मेरी जीएबी लोअर वैल्यू वाली ली जाएगी। अदरवाइज तो आप जानते हैं नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो हायर होता है वो लिया जाता है। बट यदि जीएबी मेरी एक्चुअल रेंट जो है ना वो वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, वैकेंसी की वजह से बिल्कुल कम नहीं है, अदर रीजन की वजह से कम है, देन उस केस में हमारी नॉर्मल क्या होता है, हायर ऑफ द फॉलोइंग जो होता है ना नॉर्मल कॉन्सेप्ट, हायर ऑफ ए एंड बी, आई वुड से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो हायर ऑफ ए एंड बी जो भी आता है वो हम लेते हैं, राइट। और यदि क्या होता है जब दोनों इक्वल हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड एंड और एक्चुअल एंड, ठीक है, वैकेंसी के बाद भी, तब भी हम क्या लेंगे, तब तो आप देखिए तब क्या होता है नॉर्मल है, अब इसमें आप एक्चुअल एंड ही लेंगे, आपका जीए भी क्या होगा एक्चुअल रेंट होगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम अपनी बुक में कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज इफ ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लोअर, इफ ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट भूलना मत, नॉर्मल क्या होता है स्टैंडर्ड, सॉरी दिस इज म्यूनिसिपल, इसको हम कंपेयर करते हैं फेयर रेंट से, राइट, इन दोनों में जो हाई होता है उसको कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट से, इसमें जो लोअर होता है वो क्या होता है एक्सपेक्टेड रेंट होता है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेक्टेड रेंट से कम है एक्चुअल रेंट, किस वजह से, ड्यू टू वैकेंसी, तो उस केस में क्या होता है देन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विल बी द जीएवी, विल बी द जीएबी, इतना ही चेंज है, मतलब वैकेंसी की वजह से पूरे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, आपकी जो कॉम्पिटिशन पहले होती थी आपकी कॉम्पिटिशन ऐसी ही होती रहेगी, ठीक है। बट नोट इफ द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट नॉट ड्यू टू वैकेंसी, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी की हो सकता है ना आपका रेंट ऑलरेडी इतना कम हो, ठीक है, वैकेंसी की वजह से कम नहीं होता, आपका रेंट एक्चुअल तो कम मिला वैकेंसी की वजह से, बट वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम इसलिए नहीं है कि वैकेंट हुआ था, वो ऑलरेडी कम था, मतलब अब वैकेंट ना होता ना तब क्या होता, ओके, तब भी हमारा वो कम था, इसलिए उस केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, सिंपल। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, तीन केस बनते हैं हमारे सामने, सपोज क्वेश्चन में ना ये एक्सपेक्टेड रेंट हमें ऑलरेडी कंप्यूटेड है, हमें ये कॉम्पिटिशन नहीं करनी स्टैंडर्ड फेयर एंड म्यूनिसिपल, इट इज गिवन दैट एक्सपेक्टेड रेंट इज फर्स्ट केस इज 1,92,000, 1,92,000 है मंथली रेंट हमारा एक्चुअल 20,000 रुपये महीना का था, ठीक है, तो हमने एज्यूम करते हैं हमें 12 महीने हमने लेट आउट किया था, ठीक है। तो यदि अब आता है प्रॉपर्टी वैकेंट रही 3 मंथ्स, यदि प्रॉपर्टी 3 मंथ्स वैकेंट रही इसका मतलब आपको एक्चुअल रेंट कितने महीने का मिला होगा, 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का एक्चुअल रेंट कितना होगा, 9 मंथ्स का एक्चुअल रेंट कितना होगा 1,80,000, ओके, सो एक्चुअल रेंट नेट ऑफ वैकेंसी, एक्चुअल रेंट नेट ऑफ वैकेंसी कितना होगा 180, अब 180 एक्चुअल है ये आपको मिला है, बट वैकेंसी की यदि वैकेंसी ना होती तो कितना होता, वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट कितना होता, सी एक्चुअल रेंट होता 180 नहीं होता, तब आपका 12 मंथ्स का कॉम्पिटिशन होते, तो 12 मंथ्स के हिसाब से 20,000 रुपये महीना है आपका, 2,40,000 रुपये आपका एक्चुअल रेंट होता, राइट। अब आपका हमें कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, सी 192 एंड 180, अभी नॉर्मल कॉन्सेप्ट में विच एवर इज हायर होता है, विच एवर इज हायर होता है, यू नो जब जीएवी निकालते हैं तो विच एवर इज हायर होता है, बट क्योंकि यहाँ वैकेंसी थी 3 मंथ्स की, मेरा एक्चुअल रेंट कम है अभी किससे, ईआर से, मेरा एक्चुअल रेंट ईआर से कम है। अब आपको क्वेश्चन आएगा ये कैसे पता लगेगा कि ये मेरा वैकेंसी की वजह से, ठीक है, देखिए वैकेंसी ना होती तो क्या होता, तब तो 2,40,000 का रेंट था ना, और जो 192 से ज्यादा है, इट मीन्स वैकेंट होने की वजह से आपका रेंट 192 से भी डाउन आ गया है 180, इसका मतलब यहाँ वैकेंसी वाला रूल लगना है, और वैकेंसी वाला रूल का मतलब है आपको जीएबी क्या होगी, जीएबी होगी आपकी एक्चुअल रेंट, ओके। सेकंड केस देखते हैं, 195 का हमारा एक्सपेक्टेड रेंट दिया है, 3,000 रुपये महीने के हिसाब से किराया, ठीक है, 2 महीने वैकेंट रहा है, 3,000 रुपये महीना, ठीक है। अब आप देखिए 2 महीने वैकेंट रहा है मतलब 10 मंथ्स का हमें किराया मिलना है, 10 मंथ्स का एक्चुअल रेट कितना बना 30,000, वैकेंट ना होता तब कितना होता, वैकेंट नहीं होता तब कितना होता, सॉरी ये दिस इज 36,000, 36,000, ओके, 36,000 होता। तो अब आप देखेंगे आपका वैकेंसी होने की वजह से जो रेंट है 30 है एक्चुअल रेंट,
करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट से, दोनों में कम क्या है एक्चुअल है। तो बट क्या आपको कैसे पता लगेगा वैकेंसी की वजह से? नहीं पता लग रहा ना, तो देखिए वैकेंसी ना होती तो कितना होता, 36,000। अब ये ऑलरेडी कम है, इट मीन्स ये वैकेंसी की वजह से मेरा एक्चुअल रेंट कम नहीं है। इस केस में हमारा नॉर्मल रूल जो होता है ना, नॉर्मल विच एवर इज हायर, हायर वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मल वही लगेगा, इसमें हमारा वैकेंसी का रूल नहीं लगने वाला है। तीसरा केस देखते हैं, 3 लाख रुपए का हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है, वैकेंसी जो रहा है 3 मंथ्स के लिए रहा है, वैकेंसी रहा है 3 मंथ्स के लिए, और रेंट कितना है 2,500 रुपये महीना। ठीक है, 9 मंथ्स का हमें रेंट मिला होगा, 9 मंथ्स का रेंट मिला होगा कितना, 2,25,000। रेंट 2,25 है एक्चुअल, कंपेयर करते हैं इसको एक्सपेक्टेड रेंट से, दोनों में कम क्या है एक्चुअल। इसका मतलब रेंट तो मेरा कम हुआ है, इसका मतलब रेंट तो मेरा कम हुआ है वैकेंसी की वजह से। क्या ये कैसे पता लग रहा है वैकेंसी की वजह से? सी, बिना वैकेंसी के कितना रेंट था, 3 लाख रुपए, बिना वैकेंसी के कितना रेंट होता, 3 लाख। इसका मतलब ये वैकेंसी की वजह से मेरा कम हो गया ना, तो यस वैकेंसी की वजह से कम हुआ है ये, और इसीलिए मेरा यहाँ वैकेंसी वाला रूल है। एंड लोअर वैल्यू जो होती है वो मतलब एक्चुअल रेंट विल बी द जीएबी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब क्वेश्चन आता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो आईसीए के मॉडल में दिया है। देखिए मैंने अपनी बुक में सभी में क्वेश्चंस को ना इस तरह से फ्रेम किया है, कॉन्सेप्ट वाइज आप इजीली कॉन्सेप्ट से अपना क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिससे आपको हेल्प होगी। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है सम पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि यहाँ पे क्या है वैकेंसी आ जाती है, थोड़ा सा अनरियलाइज्ड रेंट भी रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए अजय है प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 2,50,000, पे रेंट इज 2 लाख एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 2,10,000। सिंपल, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर ए रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। ओके, हाउ आर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी, मतलब इन्होंने 10 मंथ्स लेट आउट रहा, बाकी 2 मंथ्स में वैकेंट था। ठीक है, उन्हें वैकेट कर दिया ना प्रॉपर्टी जनवरी में, तो फेब एंड मार्च का कोई रेंट नहीं है, फेब एंड मार्च में वैकेंट रहा है। अनरियलाइज्ड रेंट भी रहा था इसमें 20,000 का, ऑल द कंडीशन पर। देखिए अनरियलाइज्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट चलता है, उसको हम समझ लेंगे। अभी एज्यूम करते हैं हमारी जो रूल फोर में कंडीशन थी वो हमारी फुलफिल थी, इट मीन्स वो अनरियलाइज्ड जो रेंट है ना वो माइनस हो जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स 8% पे किए हैं, इंटरेस्ट हमारा 65,000 था, हमें उस प्रॉपर्टी की इनकम बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए म्यूनिसिपल रेंट 250, पेयर रेंट विच एवर इज हायर 250, स्टैंडर्ड रेंट 210 विच एवर इज लोअर। राइट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसे बोलते हैं हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, इसको नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। अभी क्वेश्चन से क्लियर है, जो 12 मंथ्स में से ना जो 8 मंथ्स हैं वो एलओपी है, और बाकी 2 मंथ्स, सॉरी दिस इज 10 मंथ्स, दिस इज 10 मंथ्स हमारा लेट आउट रहा है। 2 मंथ्स में क्या रहा है, वैकेंट रहा है। देखिए 2 मंथ्स में सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं रहा है, 2 मंथ्स में सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बोला कि 2 मंथ्स में हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है। ठीक है, तो वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी आ जाती है तो आपने एक ही बात याद रखनी है, यदि वैकेंसी की वजह से मेरा एक्चुअल रेंट ना कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो लोअर वैल्यू मतलब एक्चुअल रेंट ही मेरी जीएबी मानी जाएगी, हायर नहीं मानी जाएगी। देखते हैं, देखिए एक्चुअल रेंट ना कितना आया 10 मंथ का, वैकेंसी है ना क्योंकि, तो 10 मंथ्स मेरा रेंट आया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स। अनरियलाइज्ड रेंट भी था इसमें, वो हमने माइनस कर दिया, नेट रेंट बनता है 180। एक्चुअल रेंट मेरा कितना आया, मेरी जेब में कितने पैसे आए, 180, 180, 2,10,000 को हम कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल रेंट से, ये कम है, यस कम है। क्या ये एनालिसिस करना है कि क्या ये रेंट मेरा जो कम है वैकेंसी की वजह से है या वैकेंसी की वजह से नहीं है। यदि वैकेंसी की वजह से है तो जीएबी लोअर ऑफ द फॉलोइंग होगा, मतलब 180 हुआ। यदि ये वैकेंसी की वजह से नहीं है तो नॉर्मल रूल जो होता है हमारा फीचर एवरेज हायर, देन 2,10,000 मेरी जीएबी होगी। अब देखते हैं कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, वैकेंसी अज्यूम वैकेंसी ना होती तो क्या होता, वैकेंसी ना होती तो 12 मंथ्स का रेंट मुझे कंप्लीट मिलता, और अनरियलाइज तो मुझे माइनस करने है क्योंकि वो तो मिला ही नहीं, तो नेट रेंट आता 2,20,000। तो 2,20 होता, 2,20 को आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा है ना, इसका मतलब वैकेंसी की वजह से मेरा 2,10 से फॉल हो गया, 2,10 से मेरा रेंट कम आ गया।
ठीक है, इसका मतलब है वैकेंसी की वजह से ही रेंट कम है, और वैकेंसी की वजह से कम है तो इसलिए जीएबी क्या होगा, एक्चुअल रेंट मेरा जीएबी होगा, एक्चुअल रेंट का 1,80,000। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप म्यूनिसिपल टैक्सेस 8% पे किया है, आप 20,000 माइनस कर दिया आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, यस इंटरेस्ट भी पे किया, और 30% डिडक्शन, नेट जीएबी नेट एबी आपकी कैलकुलेट हो गई। कितना आसान था, वैकेंसी में बहुत ही सिंपल रूल है, इट इज की यदि वैकेंसी की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट की वैल्यू कम होती है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में हम एक लोअर वैल्यू लेते हैं जीएवी, मतलब एक्चुअल रेंट। यदि वैकेंसी की वजह से नहीं है तो नॉर्मल है, विच एवर इज हायर। इसके अलावा अनरियलाइज रेंट की वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, उस पे उसके एरियाज, और जब सब्सिक्वेंटली हम रियलाइज करते हैं ना तो उसका रिविजन हम शॉर्ट वीडियो में नेक्स्ट में करने वाले हैं, तब तक के लिए गुड बाय। इसके अलावा आपको यदि कोई कॉन्सेप्ट लगता है प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। ओके बाय।